तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई AEW डायनामाइट के बारे में। और ये कोई नॉर्मल शो नहीं था, ये एक ऐसा शो था जहां एक दिन हम रेसलिंग को भुला रहे हैं, हम स्टोरी लाइन को भुला रहे हैं और हम याद कर रहे हैं गाइज द लाइफ ऑफ ब्रोडी ली। और ये AEW डायनामाइट का जो शो था पूरा सेलिब्रेशन ऑफ ब्रोडी लीज लाइफ था, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें बहुत ही ज्यादा कमाल का एक ट्रिब्यूट देखने को मिला, कई सारी इमोशनल मोमेंट्स, बहुत सारी चीजें गाइस, तो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। फटाफट से आप इस वीडियो पर लाइक कर दें। और ये जो हफ्ता है बहुत ही ज्यादा अजीब गुजरा है क्योंकि ऐसी न्यूज़ कभी भी कोई एक्सपेक्ट करता नहीं है, और इसीलिए जो है मैं इस वीडियो के अंदर NXT को रिव्यू साथ में नहीं करना चाहता क्योंकि मैं मतलब आज रेसलिंग और स्टोरी लाइन्स को जो है एक साथ इसके साथ मिक्स नहीं करना चाहता, और उसका रिव्यू प्रॉब्ली मैं अगली वीडियो में करने वाला हूं जो भी होगी। तो AEW डायनामाइट का शो गाइस आज स्टार्ट होता है सीधा 10 बेल सैल्यूट से, और सारा जो डायनामाइट का रोस्टर है स्टेज के ऊपर खड़ा होता है, 10 बेल बजती हैं और सबसे आगे खड़ी होती हैं जॉन ह्यूबर यानी कि ब्रोडी ली की वाइफ अमांडा, और उनके साथ उनके दो बच्चे और ब्रोडी ली जूनियर जिनको बुलाया जाता है -1 अब AEW के अंदर। उन्होंने डार्क ऑर्डर का मास्क पहन रखा है क्योंकि उनको डार्क ऑर्डर बहुत ज्यादा पसंद है, और ऑब्वियसली जो ब्रोडी ली के छोटे बेटे थे उनको जो बेल की आवाज है वो बहुत ज्यादा तेज लग रही थी इतने साइलेंस में, और वो रोने लग गए थे। और यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस हमें देखने को मिले, डार्बी, कोडी, टोनी खान और जितना भी AEW का रोस्टर था गाइस यहाँ पे 10 बेल सैल्यूट देता है, और ये बहुत अच्छे तरीके से शो होता है स्टार्ट। तो जैसे ये 10 बेल सैल्यूट खत्म होता है गाइस जॉन मॉक्सली की हमें एक प्रोमो देखने को मिलता है प्री टेप्ड, वो शो पे वहां पे नहीं थे आज, लेकिन वो यहाँ पे अपना ट्रिब्यूट देते हैं ब्रोडी ली के लिए। और यहाँ पे मॉक्सली ने एक हुडी पहन रखी है, वो बीनी पहन रखी है, कैप, और उनकी बिल्कुल आंखें भी नहीं दिख रही है, वो काइंड ऑफ अपने इमोशंस जो है उसके पीछे छुपा रहे थे। बहुत ज्यादा डार्क जगह पे वो कहीं पे बैठे हुए थे और लाइटिंग भी बिल्कुल ऐसी थी। और जॉन मॉक्सली बात करते हैं कि किस तरीके से ब्रोडी एक ऐसा इंसान था जो कभी भी किसके साथ आता था तो भाई उसको जॉय देता था, वो खुश कर देता था, और डैड बनना उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा आसान काम था, कोई ऐसा नहीं था कि वो उस चीज को एज अ बर्डन लेता है। और वो कहते हैं कि भाई ब्रोडी की ये जो लाइफ थी इससे मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इंस्पायर हों और अपने आस पास जितने भी लोग हैं उनका वो अप्रिशिएट करना शुरू करें। और वो कहते हैं एवरी डे इज स्पेशल, और हर एक दिन जो तुम्हारी जिंदगी का होता है वो गिफ्ट होता है एक, और जितने भी दिन मैंने ब्रोडी के साथ बिताए हैं वो स्पेशल हैं। और फाइनली वो कहते हैं गाइज आई लव यू ब्रोडी एंड आई विल नेवर एवर फॉरगेट यू। और जॉन मॉक्सली की तरफ से एक छोटा सा पर बहुत कमाल का ट्रिब्यूट, एक इमोशनल ट्रिब्यूट आज हमें डायनामाइट के शो में देखने को मिला। तो जो शो की थीम थी गाइज डार्क ऑर्डर के अराउंड रिवॉल्व हो रही थी कि सारे मैचेस अलग अलग मेंबर्स के डार्क ऑर्डर के साथ होंगे, टैग टीम मैचेस या सिंगल्स मैचेस, क्योंकि ब्रोडी ली को यहां पे ट्रिब्यूट दिया जा रहा था और ऑब्वियसली वो लीडर थे द डार्क ऑर्डर ग्रुप के। और जो सबसे पहला मैच गाइस यहां पे हमें देखने को मिला वो था कोल्ड कबाना एंड द यंग बक्स अगेंस्ट मैट हार्डी एंड प्राइवेट पार्टी। और यहाँ पे हम यूजुअली जब बात करते हैं रिव्यूज की तो हम स्टोरी लाइन को डिस्कस करते हैं, मैच के मोमेंट्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन आज गाइज उस चीज को मैं उस तरीके से नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आज हम कोई टेक्निकलिटीज को ढूंढ नहीं रहे, इस शो का स्टोरी लाइन से कोई लिंक नहीं था, और जितने भी मैचेस हुए किसी न किसी वजह से जो है मुझे आज पसंद आए हैं। और ये मैच गाइज डेफिनेटली बहुत अच्छा था अगर रेसलिंग वाइज भी आप देखेंगे, लेकिन इमोशन इसमें इतना ज्यादा था कि भाई कोल्ड कबाना पहले ही आते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो काफी अच्छे से अपने आप को कंट्रोल करके इस मैच को देते हैं। और आज ऐसा लग रहा था कि हाँ सब एक चीज सोच के आए थे कि जो भी हम यहाँ पे चीज करने वाले हैं रिंग के अंदर वो डेफिनेटली ब्रोडी के लिए एक ट्रिब्यूट होने वाला है। तो ऑल ओवर द प्लेस छोटी छोटे तरीके से इन्होंने यहाँ पे इनको ट्रिब्यूट दिया। और इस मैच के अंदर गाइस ये भी बात हम जानते थे कि आज सारी डार्क ऑर्डर वाली साइड जो है वही जीतेंगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और एंडिंग काफी कमाल की देखने को मिलती है जब यंग बक्स इंडी टेकर लगाते हैं और कोल्ड कबाना एंड में पिन करते हैं गाइस और अपनी टीम के लिए इस विक्ट्री को हासिल करते हैं। मैच के बाद द अक्लेम्ड आ जाते हैं बाहर और ऐसा लगता है कि वो कुछ बोलने वाले हैं उल्टा सीधा, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलें पीछे से SCU आके उन्हें अटैक करती है और ये बेबी फेस टीम जो है अक्लेम्ड को सुपर किक्स मारते हैं और उनको वहां से भगा देते हैं। तो इस तरीके से शो स्टार्ट हुआ गाइस, और पूरे शो में रिंग साइड पे जो है वो ब्रोडी ली की फैमिली बैठी हुई थी, तो वो एक बहुत अच्छा जेस्चर था यहां पे भी। और साथ के साथ क्रिस जेरिको कमेंट्री के ऊपर थे और काफी सारी वो स्टोरीज बता रहे थे, काफी सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे ब्रोडी ली के बारे में जो शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे। इसके बाद हमें डार्बी एलन का ट्रिब्यूट देखने को मिलता है, और ये सारे ट्रिब्यूट गाइस प्री टेप्ड थे। और डार्बी यहां पे बोलते हैं कि भाई ब्रोडी को मैं सबसे पहली बार तभी मिला जब उनका AEW का डेब्यू हुआ था,
और उसी समय मैंने उनको देखा और मुझे पता लग गया भाई इस बंदे के अंदर कोई भी ईगो नहीं है और ये अपने आसपास सारे लोगों को लिफ्ट करता है और उनको जो है वो थोड़ी मोटिवेशन देता है। और वो कहते हैं हमेशा से ब्रोडी ली वॉज माई ड्रीम मैच, और ये बात तुम किसी से भी पूछ सकते हो AEW बैकस्टेज में कि मुझे उस बंदे से एक मैच डेफिनेटली चाहिए था। और वो कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत बुरी बात है, बहुत ही सैड है कि अब ब्रोडी के साथ मैं कभी रेसल नहीं कर पाऊंगा और वो जो मेरी ड्रीम है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और डार्बी एलन गाइज यहाँ पे इस तरीके से अपना ट्रिब्यूट देते हैं। इसके बाद जो अगला मैच हमें देखने को मिलता है गाइज, द डार्क ऑर्डर्स इविल उनो एंड स्टू ग्रेसन, इनके साथ होते हैं लैंस आर्चर। और यहाँ पे लैंस आर्चर ने गाइज WWE के लूक हार्पर वाली आउटफिट पहनी हुई थी, यानी कि व्हाइट कलर की वेस्ट, ब्लू कलर की जीन्स और हैंकी टंगा हुआ था उनकी पैंट के पीछे। और यहाँ पे इनके अपोनेंट्स थे द बुचर, द ब्लेड एंड एडी किंगस्टन। तो एडी किंगस्टन यहाँ पे सबसे पहले माइक लेके कहते हैं कि भाई देखो ब्रोडी, आई लव यू एंड आई रियली रियली मिस यू, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जो डार्क ऑर्डर का ग्रुप है वो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं रहा और अब मैं इस चीज को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक थोड़ा नेगेटिव चीज बोलते हैं। और ये मैच जो मैं देखने को मिला, मैं कह रहा हूँ भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा मैच था रेसलिंग वाइज। अगर आप देखें काफी सारे हाई फ्लाइंग स्पॉट्स भी हमें देखने को मिले और एडी किंगस्टन की इन सारी बातों के बाद जैसा कि मैं कह रहा हूँ पता था कि कौन जीतने वाला है। और लैंस आर्चर भाई बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगे आज के मैच के अंदर और यहाँ पे एक बार फिर से जो है ये टीम जीत गई, इविल उनो, स्टू ग्रेसन एंड लैंस आर्चर। और मैच के एंड में एडी किंगस्टन को ये सारे लोग गाइज अपने फिनिशर लगाते हैं, इनफैक्ट जेक द स्नेक रॉबर्ट्स हैं वो भी लगाते हैं यहाँ पे, तो काइंड ऑफ ये बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके बाद गाइज डैक्स हार्वुड, कोल्ट कमैना एंड आर्न एंडरसन अपना ट्रिब्यूट देते हैं ब्रोडी ली को और वो बात करते हैं किस तरीके से वो एक बहुत अच्छा ह्यूमन बींग था, ही वॉज अ फैमिली मैन, और उसको ऐसा था कि भाई शो खत्म होते ही मुझे घर जाना है अपनी फैमिली के पास, बिकॉज ही लव्ड देम सो मच। और वो बिजनेस को भी उसी तरीके से अपनी ऑनेस्टी से अप्रोच करता था, कोई उसके अंदर लाइज नहीं थे, कोई उसके अंदर छुपा, कोई छुपी हुई ऐसी चीज नहीं थी कि हम उसको देख के बोलें कि हाँ भाई ब्रोडी की ये बात गलत है। और यहाँ पे जो रेफरी हैं गाइस ब्राइस रेम्सबर्ग, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, रो रहे होते हैं अपने ट्रिब्यूट के अंदर। और वो यहाँ पे बात करते हैं कि भाई अगर रेसलिंग डैड्स का माउंट रशमोर बनाना हो तो उसके अंदर डेफिनेटली ब्रोडी ली आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी लाइफ को बैलेंस करते थे अपने रेसलिंग या फिर अपने वर्क के साथ, इट वॉज इनसेन। और इतनी ईजिली वो चीज़ करते थे कि भाई किसी को पता भी नहीं लगता था कि इस बंदे की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं या फिर अगर इसकी लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, तो ये भी एक काफी कमाल का ट्रिब्यूट था। इसके बाद गाइज अगला मैच हमें देखने को मिला जहां पे एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही ज्यादा मतलब इमोशनल भी था ये सरप्राइज, द डार्क ऑर्डर के एलेक्स रेनॉल्ड्स एंड जॉन सिल्वर, इनके साथ थे एडम हैंगमैन पेज और इनके अपोनेंट्स थे द इनर सर्कल के MJF, ओटीज एंड सैंटाना। और यहां पे जो है MJF ने सैंटाना का हेडबैंड पहना हुआ था, आई डोंट नो व्हाई, और वो पूरे मैच में बहुत ही ज्यादा कॉकी एक्ट कर रहे थे, यानी कि ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। और इस मैच में हमें एक मोमेंट देखने को मिलती है भाई जहां पे MJF रिंग साइड जाते हैं, जहां पे ब्रोडी ली के बेटे बैठे हैं, उन्होंने डार्क ऑर्डर का मास्क पहना है, वो उस मास्क को उतार के फेंक देते हैं और उसके बाद यहाँ पे केंडो स्टिक लेके आते हैं ब्रोडी ली के बेटे और वो अटैक करते हैं उससे MJF को। तो ये काफी कूल मोमेंट थी, लोग बिल्कुल पागल हो गए थे। और इस मैच में जो सबसे बेस्ट मोमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो हमें देखने को मिली गाइज, रिंग में आते हैं वार्डलो और वो अटैक करने लग जाते हैं, रेफरी डिस्ट्रैक्टेड होता है और यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि कौन आता है वार्डलो को अटैक करने गाइज, और कोई नहीं बल्कि आई थिंक लूक हार्पर के बेस्ट फ्रेंड, द क्लोजेस्ट मैन टू हिम, एरिक रोवेन। तो एरिक रोवेन यहाँ पे ऑब्वियसली अभी एक फ्री एजेंट है, वो आते हैं बाहर और अटैक करते हैं वार्डलो को और ये ब्रॉल करते करते फटाफट बैक स्टेज चले जाते हैं और कुछ खास यहाँ पे हमें उनकी तरफ से अभी तक देखने को नहीं मिलता। ये मैच कंटिन्यू होता है, क्राउड बिल्कुल पागल हो जाता है रोवेन को यहाँ पे देख के। और गाइज ये मैच जो है ऑब्वियसली एक बार फिर से टीम जीत जाती है डार्क ऑर्डर की साइड से, यानी कि एलेक्स रेनॉल्ड्स और जॉन सिल्वर साथ के साथ एडम हैंगमैन पेज, ये लास्ट में ओटीज को लगाते हैं, लूक हार्पर वाली डिस्कस लैरियट और जॉन सिल्वर अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल करते हैं। और मैच के बाद एरिक रोवेन बाहर आते हैं एक बार फिर से और उनके हाथ में एक साइन होता है जिस पे लिखा होता है गुड बाय फॉर नाउ माय ब्रदर, सी यू डाउन द रोड। और डेफिनेटली गाइज वो भी यहां पे रो रहे थे और उनके इमोशंस क्लियर थे उनके चेहरे के ऊपर और वो मतलब प्रे कर रहे थे और एक फ्लाइंग किस दे रहे थे हवा के अंदर कि ब्रोडी आई विल बी देयर विद यू सम टाइम सून। और ये गाइज बहुत इमोशनल था क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा हूँ एरिक रोवेन मेरे हिसाब से बेस्ट फ्रेंड थे लूक हार्पर के और प्रॉब्ली सबसे क्लोजली उनको जानते थे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। इसके बाद गाइज हमें एडी किंगस्टन का ये प्री टेप ट्रिब्यूट देखने को मिलता है जहां पे वो ब्रोडी ली के बच्चों के लिए एक चीज बोलते हैं कि भाई तुम्हारे फादर कहीं भी नहीं गए हैं, अगर तुम उन्हें हमेशा याद करते रहोगे तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और हम यहाँ पे सारे लोग हैं कि हम तुम्हारी केयर करें
करेंगे। इसके बाद गाइज एना जे एंड टे कॉन्टी का मैच हमें देखने को मिलता है अगेंस्ट डॉक्टर ब्रिट बेकर एंड पेनेलोपी फोर्ड। और एक बार फिर से यहाँ पे इस मैच में काफी छोटा मैच रखा गया था लेकिन विक्ट्री गाइज हम जानते हैं किसकी होने वाली थी, एना जे और टे कॉन्टी इस मैच को जीत जाते हैं। और मैच के बाद यहाँ पे थंडर रोसा आती है और ब्रिट बेकर को अटैक करने लग जाती है और रेफरीज इनको ब्रेकअप करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैच खत्म होने के बाद एक प्रोमो कट करती है गाइज ब्रिट बेकर और वो बात करती है किस तरीके से जो सारी चीज थी हम मैच हार गए, दिस वॉज रिग्ड। और वो कहती है इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी दिस वॉज अ बिग रिग। और अगर आपको पता होगा गाइस तो बिग रिग वाज आल्सो वन ऑफ द नेम्स ऑफ लूक हार्पर और ये चीज उन्होंने अपने रेसलिंग करियर में भी यूज करी थी, तो एक बार फिर से एक इनडायरेक्ट ट्रिब्यूट था। इसके बाद गाइस जो फाइनल प्री टेप ट्रिब्यूट हमें देखने को मिला वो था क्रिस जेरिको की तरफ से और वो यहाँ पे गाइस दो स्टोरीज बताते हैं। पहली वो कहते हैं कि भाई मैं और ब्रोडी थे साथ में सऊदी अरेबिया में और ऑब्वियसली वो बात कर रहे हैं जब WWE के साथ वो साथ में ट्रैवल कर रहे थे। तो जेरिको बताते हैं कि भाई मेरे कमरा था जो होटल का उसकी छत पे कुछ ब्लैक ब्लैक लगा हुआ था, मुझे लगाया तो वो कोई स्टिकर है या फिर कोई इंसेक्ट बैठा हुआ है और मुझे वो चीज बहुत तंग कर रही थी। ब्रोडी मेरे कमरे में आया और मैंने पूछा कि भाई ये क्या चीज है और ब्रोडी कहता है भाई वो एक एरो बना हुआ है जो कि मैका की तरफ पॉइंट कर रहा है। और यहां पे क्रिस जेरिको कहते हैं कि भाई ब्रोडी तुम्हें ये बात कैसे पता और ब्रोडी कहते हैं भाई ये बात तो सबको पता होती है। तो जेरिको कहते हैं इससे पता लगता है कि भाई ब्रोडी सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिखने में बहुत बड़ा था, ही वाज आल्सो अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट गाय। और दूसरी स्टोरी वो यहाँ पे ये बताते हैं, वो कहते हैं मेरी जो डॉग है घर पे वो बहुत ज्यादा बाग करते हैं और इतनी जल्दी किसी भी नए बंदे के साथ फ्रेंडली नहीं होती हैं, लेकिन जब ब्रोडी पहली बार मेरे घर में आया तो वो ऑलरेडी जाके सीधा उनका जो हाथ है वो चाटने लग गई, जिससे पता लगता है कि भाई उस डॉग को भी रियलाइज हो गया कि ये बंदा कितना कमाल का है। और गाइज ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, पहले भी क्रिस जेरिको ने बताई थी अपने सोशल मीडिया के ऊपर, सो दिस वॉज वेरी वेरी गुड। और फाइनली गाइज इस शो के मेन इवेंट में जो मैच हमें देखने को मिलता है दिस वॉज द ड्रीम मैच जो कि बुक करा गया -1 की तरह से, यानी कि ब्रोडी ली जूनियर की तरह से, कोडी रोड्स, ऑरेंज कैसिडी एंड नंबर 10 ऑफ द डार्क ऑर्डर अगेंस्ट टीम टैज। और ये काफी कमाल का टैग टीम मैच हमें देखने को मिला और फिर से हम जानते थे यहाँ पे क्या होने वाला है। और एंड में नंबर 10 को यहाँ पे पिनफॉल लेने का मौका दिया गया तो उन्होंने यहाँ पे अपनी टीम के लिए विक्ट्री ली और जबकि उन्होंने मास्क पहना हुआ था क्लियरली उनके आंसू भी दिख रहे थे मुझे मास्क के थ्रू। और मैच के बाद गाइज यहाँ पे जो है टीम टैज अपना अटैक कंटिन्यू रखती है और आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले डार्बी एलन, उसके बाद स्टिंग और वो रिंग में आके खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे टीम टैज को भगा देते हैं। उसके बाद हम कमर्शियल से वापस आते हैं तो एक ट्रिब्यूट होता है गाइज और कोडी रोड्स यहाँ पे सबसे पहले माइक लेते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं और वो बात करते हैं ब्रोडी की लेगेसी के बारे में और किस तरीके से वो कमाल के TNT चैंपियन थे। और वो कहते हैं कि इस टाइटल को हम आज होमेज पे करने वाले हैं, हम एक ट्रिब्यूट पे करने वाले हैं। और बाहर आती है यहाँ पे ब्रोडी ली की वाइफ ब्रोडी ली जूनियर और साथ के साथ टोनी खान। और गाइज यहां पे हमें देखने को मिला है कि ब्रोडी ली जूनियर को बना दिया गया है TNT चैंपियन फॉर लाइफ, तो उनको यहां पे टाइटल दे दिया जाता है। और यहां पे जो है ब्रोडी ली के बेटे बूट्स लेके आते हैं लूक हार्पर के और साथ के साथ उनका जो वो हैंडकरचीफ होता है डार्क ऑर्डर वाला उसको रखते हैं रिंग के बीचों बीच और उनको TNT टाइटल दे दिया जाता है। और टोनी खान कहते हैं कि भाई इस टाइटल को हम हमेशा के लिए तुम्हारे नाम करते हैं बिकॉज आई थिंक ब्रोडी वॉज द ग्रेटेस्ट TNT चैंपियन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कोडी रोड्स। और गाइज यहां पे मुझे न्यूज जो है ऑलरेडी पता लग गई है कि टाइटल जो है वो रिटायर नहीं हुआ है बट इसका ये वाला डिजाइन जो है वो रिटायर कर दिया गया है, तो एक बार फिर से AEW TNT चैंपियनशिप को रीडिजाइन करने वाली है और हमें कुछ समय बाद उसका नया डिजाइन शायद कुछ महीनों बाद ही अब देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से शो खत्म होता है और फाइनली शो के एंड में टोनी कहते हैं कि हमने एक ट्रिब्यूट प्रिपेयर करा है और बहुत ही ज्यादा कमाल का एक वीडियो पैकेज भी हमें देखने को मिलता है गाइस। और इसके अंदर यहां पे बहुत सारी WWE सुपरस्टार्स की फोटो भी थी जैसे कि सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकइंटायर और अलग अलग कई सारे सुपरस्टार्स, ब्रे वायट भी थे। और इस तरीके से गाइस ये शो हो जाता है खत्म, तो एक वेरी वेरी इमोशनल शो है एंड आई वुड से फॉर वन मोर टाइम ब्रोडी ली वॉज अ वेरी वेरी गुड गाय आउटसाइड एंड इनसाइड द रेसलिंग रिंग, यही हम उनके बारे में सुन रहे हैं। और उनको माउंट रशमोर पे डालने की बात की जा रही है तो डेफिनेटली पता लगता है कि ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, तो रेस्ट इन पीस। और हम उम्मीद करेंगे कि जो उनके बेटे को ट्रिब्यूट दिया गया है वो उसको एक बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं और फ्यूचर में डेफिनेटली वो एक रेसलर बनते हैं और फिर गाइज उनको हम देखेंगे और ब्रोडी ली को याद करा करेंगे। तो ये था गाइज आज का AEW डायनामाइट का एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने थॉट्स इसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।